माता की जय, भारत 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 माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारा विलय दिवस है और बहुत ही मैं कहूँगा एक त्योहार से भी ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि त्योहार भी हम तभी मना सकते हैं जब हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। दुर्भाग्य है इस स्टेट का, जम्मू कश्मीर का, के लगभग 70 साल लग गए हमको विलय दिवस को खुलकर मनाने में। पहले मनाते थे एक विचार परिवार के लोग मनाते थे, आरएसएस के लोग, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मनाते थे, और बहुत ज्यादा लोग इसको समझ नहीं पाते थे। वो समझते थे कि शायद ये कोई स्लोगन है या चुनाव जीतने का एक जरिया है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और हमारा मूल विचार परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, कि उन्होंने जो असली जो हमारा हक था वो हमको दिया। क्योंकि हम दिवाली दशहरा तभी मना सकते हैं अगर हम स्वतंत्र हैं। और मैं ये एक गर्व के साथ कहता हूँ कि पहले क्या होता था, आपको थोड़ा सा इसके पीछे पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पहले इस स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, उग्रवादियों के जो दिन वो मनाए जाते थे, चाहे वो 13 जुलाई हो जिसको माठरिया डे कहते थे, और या शेख अब्दुल्ला जैसे अलगाववादी के दिन मनाए जाते थे, जिसने जम्मू को तोड़ने के लिए और जम्मू के लोगों को कश्मीर से निकालने के लिए, जिसने क्विट कश्मीर मूवमेंट जब अक्टूबर 46 में शुरू की थी, तो ऐसी चीजें जिसने शुरू की उसके दिन हम मना रहे थे। और जिन लोगों ने लगभग 565 रियासतों ने विलय पत्र जो जिन्होंने हस्ताक्षर किए, वही विलय पत्र पर हमारे महाराजा हरि सिंह ने भी किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे विलय पत्र को तब तक नहीं माना गया जब तक उस नेहरू की बात नहीं मानने की। आपको पता होगा कि नेहरू ने एक शर्त रखी थी, उन्होंने बोला था जब तक शेख अब्दुल्ला को इस जम्मू कश्मीर की बागडोर नहीं दी जाएगी मैं विलय पत्र को स्वीकार नहीं करूंगा। और उससे पहले भी मैं कहूंगा कि विलय अगर ये संभव ना हो पाता, अगर उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार पटेल जी, उन्होंने हमारे दूसरे सत्संग चालक पूजनीय गुरु जी को 17 अक्टूबर को यहाँ भेजा और 20 अक्टूबर को वहाँ वो श्रीनगर से गए, विशेष विमान से सरदार पटेल ने उनको भेजा था, उन्होंने महाराजा साहब को मनाया, और उसके बाद हमारा जो विलय हुआ। लेकिन गद्दारी की पराकाष्ठा देखिए कि 21 अक्टूबर को जब बात होती है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कि नेहरू ने बोला कि मेरे लिए शेख अब्दुल्ला ज्यादा महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर के लाखों देशभक्त लोग नहीं है। और जो 4 दिन का डिले जो विलय पत्र करने में, हस्ताक्षर करने में हुए, उसकी वजह से लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मैं ये पृष्ठभूमि आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस विलय जो विलय हमारा हुआ, इसको षड्यंत्र के तहत, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भी 5 दिन यहाँ महाराजा के पास रहा कि आप पाकिस्तान में चले जाइए, फिर महाराजा साहब तब नहीं माने थे। और उसके बाद जो जब विलय 26 को हो गया, तो जब हमारी सेना आ गई, तो उसके बाद क्या तांडव होता कि अपना ही क्षेत्र जब हमारी सेना जीत रही थी, अपना ही इलाका जिसको पीओजे के हम कहते हैं, वो सीज फायर करा दी गई और यूएन में मसला ले गए नेहरू साहब। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई एक गद्दार आदमी, देशद्रोही पार्टी ही ऐसा काम कर सकती है, देशभक्त काम नहीं कर सकते। और उसके बाद दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के खिलाफ इसी विचारधारा ने संघर्ष किया, और परमवर सिस्टम को जो यहाँ पे लगा था, आपको पता होगा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपना राजनीतिक बलिदान ना देते तो परमवर सिस्टम यहाँ पे लगा रहता। लेकिन एक चीज लास्ट में कहूंगा, मुझे जिस चीज का बहुत अफसोस है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही इसको क्यों मना रहे हैं? क्या जो अन्य दलों के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो कोई और पार्टी के लोग हैं, वो क्यों नहीं इसको मना रहे? क्या वो चाहते हैं कि परमानेंट सिस्टम दोबारा लागू करें, या
ये पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजी, मेरे बहुत से लोग भाई यहाँ बैठे हैं, इनको पहली बार 70 साल में इनको अधिकार मिला, क्या वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो मेरा कहने का तात्पर्य लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कौन लोग देशभक्तों के साथ खड़े हैं और कौन गद्दारों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर ड्यूटी आने की खास करिए बधाई देना कि अज का जरा विलय दिवस 1947 26 अक्टूबर ही होया हा, अज ये साढ़े त्यौहार है। और मैं बड़े बड़े सारे जम्मू कश्मीर खास करिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों की, खास करिए जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों की नागरिक हाँ, सू बड़ी खुशी है और बड़ा ही साढ़े महाराजा हरी सिंह बदौलत और सारी जी सरकार ही बीजेपी सरकार ने जोर लाइए सू हक दिता। अज साढ़े बेस्ट पाकिस्तान बेचारे रिफ्यूजी जो 70 साल के पिछले बेचारे बेरोजगार ही बिना नौकरी के बिना कोई अधिकार दे रहा है, उन्हें वोट पाने का अधिकार नहीं, सारा भाजपा सरकार ने दिता है। मैं धन्यवाद करना चाहना डॉक्टर जितेंद्र जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का और पूरी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का, और सारे मुबारक देना, धन्यवाद।